हेलो दोस्तों, कामयाब डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बछड़ी का रख रखाव कैसे करें जिसे एक साल के बाद 350 केजी वजन पे आई हो और दो साल के बाद 600 से 650 केजी बॉडी वेट पे उसका कार्विंग हो, जिसे बछड़ी 35 से 40 लीटर दूध दे सके। तो सबसे पहले जो मेरे फार्म पे अभी 12 महीने की डोनाल्ड टेलो की और ग्रिप की फर है, 350 केजी वजन पे 3-4 बार हिट में आ गई। और जो टबास्को की फर है वो अभी 600 केजी बॉडी वेट है और काविंग का 3 महीना बाकी है। तो सबसे पहला कि हम अच्छी गाय को एक अच्छा सीमेन लगाना चाहिए। बाद में गाय जब काविंग करती है तो सबसे पहले उसे आधे घंटे में कोल्स्ट्रम यानी कि जो खीस आता है वो पिलाना चाहिए। खीस आप जितना जल्दी पिलाएंगे उतना ज़्यादा काम करेगा, और 6 घंटे के बाद अगर पिलाते हैं तो नाके बराबर काम करता है। तो जो बच्चे की पूरी जिंदगी की इम्यूनिटी होती है वो उसका डिपेंडेंट खीस के ऊपर रहता है। तो आपको वजन के 10% के हिसाब से खीस पिलाना है और दूसरा 6 घंटे के बाद पिलाना है। उसके बाद आपको अगर आपके काप का वेट 40 केजी है तो 3 लीटर सुबह और 3 लीटर शाम को दूध पिलाना है। अगर 25 से 30 केजी बॉडी वेट है तो 2-2.5 केजी सुबह और 2-2.5 केजी शाम को पिलाना है। आगे एक हफ्ता के बाद आपको दूध 2.5 की जगह 3 लीटर करना है सुबह और शाम। 1 या 1.5 महीने के बाद जब काप 500 केजी काप स्टार्टर खाना स्टार्ट करती है तो दूध धीरे धीरे कम करना है, और 1 केजी काप स्टार्टर खाने लगे और 3 महीने के करीब हो तो धीरे 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 करके दूध बंद करना है यानी कि मिल्क वीन करना है। तो इस तरीके से बच्चे के आगे 4-5 दिन के बाद पानी, काप स्टार्टर और गेहूँ की तूड़ी थोड़ा थोड़ा आगे रख देना है, जिससे बछड़ी शुरुआत में मुँह मारेगी और बाद में खाने लगेगी। और उसके बाद हर 21 दिन के बाद आपको डीवर्मिंग करानी है, पहले 3 महीने तक, बाद में 3-3 महीने के बाद आपको डीवर्मिंग करानी है। आगे 3 महीने के बाद आपको काप स्टार्टर की जगह काप ग्रोवर देना है, और 9 महीने या 10 महीने के बाद हीफर का वजन 220 या 240 हो जाए उसके बाद हीफर चालू करना है। अगर आप इस तरीके से बछड़ी पालन करोगे तो बछड़ी पहले साल में 350 केजी वेट गेन करेगी और हीट में भी आ जाएगी और कंसीव भी हो जाएगी, और काविंग के समय उसका बॉडी वेट 600 केजी के करीब हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।